हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ कियारा अडवाणी इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद आप अपनी पसंद का कोई सा भी अच्छा सा टोनर ले लेना और उसको अपने फेस पर अच्छे से स्प्रे कर लेना। उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद आप कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगा लेना। मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है और एक साथ में लगा लिया है। उसके बाद मेरे लिप्स ड्राई हो रहे थे तो मैंने लिप बाम लगा लिया है। एंड देन अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। मैं फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करना है मेरे को, नो मेकअप लुक वाला। तो यहाँ पे मैंने बीबी क्रीम का ही यूज़ किया, डॉट डॉट करके लगा लिया। उसके बाद अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेना है अपने फेस में। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। एंड देन मेरे आईब्रोज़ आप लोग देख ही सकते हो कितने ज़्यादा पतले हैं। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ एक हैक अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर ड्रेस लगा मतलब पहन लिया है, जो कि मैंने कियारा अडवाणी से इंस्पायर्ड होकर ही वो क्रॉप टॉप ही बनाया था। तो आज मैं उनका मेकअप लुक करने वाली हूँ। तो यहाँ जादू से मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। आप इस वाले हैक का वीडियो भी देख लेना, मैंने अपनी अपलोड करा है। तो अब यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो कॉम्पैक्ट को भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एंड देन उसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद फिर अब बारी आती है लिप्स की। तो लिप्स को मेरे को मतलब पिंक ही रखना था, कियारा मैम का लिप्स पिंक ही है। तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक का यूज़ नहीं करा है, लिप लाइनर से ही लिप्स को आउटलाइन कर लिया है और अंदर भी लिप लाइनर से फिल कर लिया है। इसका पिंक कलर था तो इसको अच्छे से फिल करने के बाद मैं यहाँ पे लिप ग्लॉस यूज़ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस यूज़ कर लिया। एंड देन मैं ब्लश लगाना भूल गई, बट मेरे को लगाना भी नहीं था तो मैंने डायरेक्ट हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। सो हाइलाइटर को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। हाइलाइटर लगाने के बाद फेस काफ़ी ज़्यादा चमक जाता है। ईयरिंग्स मैंने बहुत ढूंढे बट उनके जैसा तो नहीं मिला, बट ग्रीन में मेरे को हल्का मैचिंग का मिल गया तो मैंने वही पहन लिया। एंड देन अब मैं काजल लगा लूँगी। आँखों में मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने लाइनर भी नहीं लगाया, सिर्फ काजल लगाया है। और काजल लगाने के बाद मैं इतनी ज़्यादा खुद को अच्छी लग रही थी कि मैंने खुद का ही खुद से नज़र उतार लिया। मेरे को लगा किसी की नज़र ना लग जाए, तो मैं यहाँ पे खुद से खुद का नज़र उतार रही हूँ। सो कैसा लगा आप लोगों को ये मेकअप लुक, आप लोग ज़रूर बताना। मेरे को भी कोई सिद्धार्थ मल्होत्रा मिलेगा या नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।